अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्पावर एकेडमी एंड यू आर वाचिंग इजी ट्यूटोरियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस और सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम सीक्वेंस की टाइप अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने देखी थी कि जब हम नंबर्स को लिस्ट करते हैं उसके बिटवीन एक डेफिनेट पैटर्न हो तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। तो इसमें कि अगर आपके पास कोई भी नंबर लिस्ट किए हुए आ जाए लेकिन उनके बिटवीन कोई डेफिनेट ऑर्डर ना हो तो वो सीक्वेंस नहीं होगी। जैसा कि -1, 11, 99, -6, -8। इस तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स को लिस्ट किया गया है लेकिन इनके बिटवीन कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है तो ये सीक्वेंस नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेट ऑर्डर की वजह से सीक्वेंस की 3 टाइप्स है। ये टाइप्स इसलिए बनाई गई क्योंकि हर टाइप्स में ऑर्डर तो है उसमें लेकिन ऑर्डर में कुछ चेंज आ रहा है। तो उस ऑर्डर में चेंज की वजह से जो पहली टाइप है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम देखते हैं कि इसके जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है इसके बिटवीन कौन सा ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर है उसे हम ऑर्डर को समझेंगे वो वाले। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 4, 10, 16, 22। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स के इन बिटवीन जो डिफरेंस है वो इक्वल है। यहां भी वो डिफरेंस 6 है, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है। तो इस कॉमन डिफरेंस, ये एक पैटर्न है कि जो इनके बिटवीन कॉमन डिफरेंस है वो है 6। इसकी वजह से हमने इस सीक्वेंस को अलग नाम दे दिया, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो स्टूडेंट्स, ये अगर हम देखें तो 10 को 4 से माइनस करें तब भी 6 आ रहा है, 16 में 10 को माइनस करें तब भी 6 आ रहा है, इस तरह 22 में जब 16 को माइनस करेंगे इसकी प्रीसीडिंग टर्म को तब भी हमारे पास 6 आएगा। अब हम इसी सीक्वेंस को लिखेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हमें पता है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है 4 और कॉमन डिफरेंस जिसको हम फॉर्मूले में डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारे पास 6, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस एक फिक्स नंबर है। तो स्टूडेंट्स, हम अब इस डेफिनेशन की मदद से सीक्वेंस को लिखने जा रहे हैं। मेरे पास फर्स्ट टर्म थी 4, उसमें जब मैं फिक्स नंबर या कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो वो आएगा 4 + 6 जो के 10 के इक्वल है। इसका स्टूडेंट जी आ जाएगी सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म बनाने के लिए मैं सेकेंड टर्म में फिर इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा जो के इक्वल होगा 10 + 16 के, जो ये इक्वल होगा 16 के। इस तरह स्टूडेंट्स, फोर्थ टर्म बनाने के लिए मैं 16 में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगी 16 + 6, 22। तो ये थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, ये जो फिक्स नंबर है इसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, और इसे यूजली डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो सुना, ये था कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब इसके जनरल फार्मूला मतलब कि एन टर्म फाइंड करने के लिए, ये तो हमें फर्स्ट 4 टर्म दी है, हमें एन टर्म फाइंड करने के लिए इसका जो जनरल फार्मूला है वो है ए एन, मीन कि एन टर्म फाइंड करने का फार्मूला है, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले की मदद से मैं इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करना चाहता हूं। ये थी इसकी फर्स्ट टर्म, ये थी सेकंड टर्म, ये थी थर्ड टर्म, ये थी फोर्थ टर्म और मैं फाइंड करना चाहता हूं इसकी फिफ्थ टर्म। वैसे तो मुझे पता है इनका कॉमन डिफरेंस है 6, मैं 22 में 6 को ऐड करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, लेकिन मैं लॉजिक समझाने के लिए इस फार्मूले की आपको फिफ्थ टर्म इस फार्मूले से निकालना बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे निकालनी है इसकी फिफ्थ टर्म, तो उसके लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 5 = a1 + n - 1। n की वैल्यू है 5, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगी मेरे पास 4d।
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अब मैं मेरे पास A1 है 4 और कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा देन 4 में ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 28, मीन के फिफ्थ टर्म आ गई है 28। यहाँ पे अगर मैं देखो 22 में मैं कॉमन डिफरेंस 6 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 28 ही आएगा। लेकिन स्टूडेंट ये फार्मूला मुझे क्या कह रहा है, ये बेसिकली मुझे कह रहा है कि A5 फाइंड करने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड पता होनी चाहिए जो कि है यहाँ 4 और मुझे कॉमन डिफरेंस बेसिकली मैं ऐड करूंगा। अब स्टूडेंट मुझे पता है कि इनके बिटवीन जो कॉमन डिफरेंस है वो है सेम, तो मुझे इसकी फिफ्थ टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डी, इस डी, ये वाला डी और ये जो नेक्स्ट डी है इन चारों डी को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। डी को मैं 4 टाइम ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगी फिफ्थ टर्म। तो स्टूडेंट्स बजाय इसके कि मैं डी को 4 टाइम ऐसे लिखूं मैं डी के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी मेरे पास सेम आंसर आएगा। तो ये थी इस फॉर्मूले की लॉजिक A1 प्लस 4D। अब स्टूडेंट्स अगर मेरे पास लेट्स सपोज कोई भी टर्म आ जाती है A11, मीन के मुझे बोला जाता है कि इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या मैं 10 टाइम डी लगाऊंगा, टोटल ये बनेगा 10D। तो मैं बजाय ये कि 10 टाइम डी को ऐड करूं फर्स्ट टर्म में, मैं उन डी को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करूंगा फर्स्ट टर्म में तो मेरे पास आ जाएगी A11 टर्म। उसको भी फाइंड कर लेते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अब मैंने फाइंड करनी है 11th टर्म, उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म पता है जो कि है 4 प्लस n की वैल्यू है मेरे पास 11 माइनस 1 10 10 मल्टीप्लाई डी। अब यहां भी मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म में 10 टाइम उस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहा हूं, तो बजाय ये कि मैं अपने काम को लंबा करने के लिए करने की बजाय मैं डी को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा उसका मतलब भी सेम होगा। तो स्टूडेंट जब मैं इस 10 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा पास जो 11th टर्म आएगी वो होगी 64। तो ये था बेसिकली, ये हमने कॉमन डिफरेंस की मदद से हम इस फॉर्मूले की मदद से कैसे हम नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स आपको कोई भी टर्म पूछी जा सकती है, आप इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज की एन टर्म आ जाती है 52, ये है हमारे पास एन टर्म और हमें बोला जाता है कि बताएं कि टोटल ये कितनी टर्म्स बनती हैं 4 से लेके 52 तक, टोटल टर्म्स पूछ रहे हमसे कि कितनी बनती है। तो स्टूडेंट्स ये भी हम उसी जनरल फार्मूले की मदद से फाइंड करेंगे, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो स्टूडेंट्स ये जो एन होता है ये बेसिकली हमें टोटल टर्म्स बताता है कि टोटल टर्म्स कितनी है, तो यहां पर हमें इसे फाइंड करना है और हमें ए एन गिवन है जो कि है 52। तो स्टूडेंट 52 फर्स्ट टर्म हमें पता है जो कि है 4 प्लस एन माइनस वन, डी है कॉमन डिफरेंस जो कि 6 के इक्वल है। अब इसे हम सोल्व करेंगे 52 माइनस 4 इक्वल टू एन माइनस वन ओवर 6, तो ये आ जाएगा 48 ओवर 6 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी 9, मीन कि ये 4 से लेकर 52 तक टोटल 9 टर्म्स बनती हैं। तो स्टूडेंट इसके अलावा ये क्वेश्चन कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अगर हमें बोला जाए कि हमें ये सीक्वेंस दे दी जाए और हमें पता है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स हमें बोला जाए कि ए 300 माइनस ए 299 टर्म, ये अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये किसके इक्वल होगी। तो स्टूडेंट बजाय ये कि हम इनको अलग अलग उस फॉर्मूले की मदद से फाइंड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें, इसकी बजाय हमें पता होना चाहिए कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होगा हर टर्म में, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 6 था तो ये आंसर भी इक्वल होगा कॉमन डिफरेंस के जो कि होगा 6। तो स्टूडेंट्स ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसमें किसी भी डिफिकल्टी का सामना हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपके कंफ्यूजन को दूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक सीरीज के ऊपर बात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।